आठ, 12 और 15 का लेसर पे कैसे ज्ञात करते हैं अभी हम देखेंगे। तो हमें इनको एक साथ लिखना है और अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, यानी अपनी अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। तो ये अभाज्य संख्याएं कौन सी रहती है? 2, 3, 5, 7। ठीक है, सर्वप्रथम 2 से भाग करते हैं। 2 का भाग किया 8 में, कितना आ गया? 4। 12 में 6। 15 2 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं का मतलब क्या है? इसमें 2 का भाग पूरे का पूरा नहीं जा रहा है। फिर हम 2 का भाग करेंगे, यहाँ गया 2 बार, यहाँ गया 3 बार, 15 फिर हम आगे लिख देंगे। फिर 2 का भाग 2 में एक बार, 3 आपकी एक अभाज्य संख्या आ गई। अभाज्य संख्या खुद से ही विभाज्य रहती है। फिर 3 का भाग 3 में एक बार, 15 में 5 बार। फिर आगे 5 का भाग 5 में एक बार, यहाँ एक आ रखा है, यहाँ आपका एक आ रखा है। ठीक है, यहाँ तो पर आपका लेस पे क्या आ गया? ये जो गुणनखंड आया इनका गुणा, 2 कितनी बार है? 1, 2, 3 बार। 3 आपका एक बार है, 5 एक बार है। चलिए गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 और ये आगे कितना है? 5। कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है,